जी हाँ, आज साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। धर्म और ज्योतिष में सूर्य ग्रहण से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, लेकिन विज्ञान में इस खगोलीय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण आज रात में 9:12 पर शुरू होगा और रात 2:22 पर खत्म होगा। अमेरिका के हिसाब से दोपहर के 2:22 पर यह ग्रहण शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि कुल 5:10 की होगी। वैसे तो इस सूर्य ग्रहण को ग्रीनलैंड, अमेरिका, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर अंटार्कटिक महासागर, आइसलैंड, पॉलिनेशिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा, लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्से में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और 54 साल के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। हालांकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा। किन किन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस दौरान सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है, चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ज्योतिष के हिसाब से हर शख्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है। 54 साल बाद अद्भुत सूर्य ग्रहण दिखेगा। ये ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2:22 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात 11:47 पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 5:10 की होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य ग्रहण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिनचर्या रोज की तरह ही होगी। शास्त्रों के मुताबिक जहाँ सूर्य ग्रहण लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 तारीख को 54 साल बाद होने जा रहा है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जब होता है तो सभी को पता है कि जब राहु की संपूर्ण दृष्टि सूर्य पर होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अक्सर अमावस को आता है और सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, सूतक शुरू हो जाता है। सूतक का महत्व ये होता है कि सूतक में कोई ऐसा काम न करें जो कि कहीं ना कहीं से शास्त्रीय परंपरा से अलग हो और शास्त्रीय प्रदूषित हो, तो इसका विशेष ध्यान रखें। जिन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है उनमें कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका में तो सूर्य ग्रहण को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई यातायात और एयरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहण के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सोमवार 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। चैत्र नवरात्र से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहण। मीन राशि रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और कुछ राशियां हैं जिन राशियों पर भी इसका असर है, सबसे पहले हम समय जान लेंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो ही यहाँ पर रात में 9:12 करके और 11:57 तक का समय इस समय रहेगा ग्रहण का, लेकिन ये बाहर के देशों में रहेगा। फिलहाल भारत पर कोई सूतक का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन कुछ राशियाँ हैं, अगर सूर्य ग्रहण है तो राशियों पर उसका असर जाता है, जैसे कि वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है और कुंभ राशि है। इन 3 राशियों पर इसका विशेष असर रहेगा देखने को मिलेगा। अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आज रात 9:12 से रात के 2:22 तक रहने वाला साल के पहले सूर्य ग्रहण का बिहार में भी असर नहीं होगा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो कोई खास असर इसे लेकर पड़ने वाला नहीं है। सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित पुनीत आलोक से बात की पटना संवाददाता विनीता मिश्रा ने। साल का पहला सूर्य ग्रहण है आज।
सूर्य ग्रहण अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में देखा जाएगा, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा? पंडित पुनित आलोक हमारे साथ हैं, मिनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूर्य ग्रहण का कितना असर होगा, यहाँ के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाव को क्या ये सूर्य ग्रहण प्रभावित करेगा, हम इन्हीं से जानते हैं। पंडित जी, साल का पहला सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है, तो भारत में क्या ये ग्रहण दिख रहा है? साल का पहला सूर्य ग्रहण है और भारत भूमि पर इसका दृष्ट नहीं होना है। 9:22 रात्रि से यह ग्रहण काल प्रारंभ हो रहा है और 1:23 पर समाप्त हो रहा है। यह विश्व के पश्चिमी अमेरिका, पूरे यूरोप और इंग्लैंड के कुछ भाग जो आयरलैंड से जुड़े हुए हैं वहां पर यह दृष्टिगोचर होगा, एवं पश्चिमी रसिया में इन्हीं भूभागों पर इस सूर्य ग्रहण का असर होता है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।